नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुबह जिस सुबह में। आज मेरे पास है ये एक टिश्यू ग्राइंडर। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है इसमें ताकि इसका फाइन जो ट्यूनिंग है वो दिखा सकूं। ये है 15 ml का, ऐसे ही इसमें 20 ml का भी मिलता है, 20 ml, 30 ml। ऐसे मिलता है। ये फिश कल्चर में लगता है और इसको एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है। बेसिकली सेल में से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन उसको अलग करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो अभी डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैंने पॉपी सीड यूज करूंगा, क्योंकि जो एग्स होते हैं फिश का वो भी इसी साइज का ही होता है। तो कुछ पॉपी सीड्स मैंने इसमें डाला, ये जिसको बंगाली में कहते हैं पोस्तो, या हिंदी में उसको कहते हैं खसखस शायद। तो इसको इस तरीके से इसमें डालना होता है, इसको इस तरीके से डालना होता है। और इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए इसका ग्राइंडिंग होता है। ऐसे ग्राइंडिंग करके जितना इसको घुमाएंगे वो इतना ग्राइंड इसका होता जाएगा। और ये उतना ही इसमें से इसको थोड़ा सा शायद इसमें पानी डालना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर लेवल को दिया है, पानी दिया है। ये देखिए पानी देते ही ये क्या, अब इसको जितना घुमाएंगे ये उतना ग्राइंड होता जाएगा। तो ये फिश एग्रीकल्चर, फिशरी एग्रीकल्चर में काम में आता है ज्यादा। ये मैनुअल है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलता है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। ये मैनुअल है, ऐसे ही हाथ से घुमा के ग्राइंड करना पड़ता है। देखिए धीरे धीरे ये इसका जो पॉपी शीट का जो शीट था वो मेल्ट होता गया। मेल्ट वर्ड ठीक नहीं है यहाँ पे, ये ग्राइंड हो गया। ऐसे घुमा के इसको ग्राइंड किया जाता है। तो अभी सिर्फ ये ऐसे सफेद वाला उसका एक्सट्रैक्शन हो गया, आरएनए डीएनए जो भी है प्रोटीन्स। ये डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको सिर्फ दिखाया, ये काम ऐसे ही होता है। तो ये 15 ml का था, 15 ml का था। ये चीज बहुत सालों से यूज हो रहा है, तो मैंने इसका एक वीडियो आपको बना के दिखाया ताकि अगर आपको ये चाहिए या फिर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने लिंक डाल दिया है,
वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और कोई भी अगर सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार है, ऐसे घुमा घुमा के इसको ग्राइंड करना है। और ये पूरा जो भी ये और ये पूरा प्रोडक्ट कांच का बना हुआ है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।